दोस्तों, क्या आपके मोबाइल में इस तरह का नोटिफिकेशन शो हो रहा है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप इस नोटिफिकेशन को कैसे हटा सकते हैं, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। और यहाँ पर हम आपको इस बात की भी गारंटी देते हैं कि हम आपको जो तरीका बताएंगे उसकी मदद से आप चुटकियों में इस नोटिफिकेशन को रिमूव कर सकते हैं, वो भी बहुत आसानी के साथ और बहुत ही कम समय में। मतलब यह है कि वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और नॉलेजफुल होने वाला है, इसलिए आप इस वीडियो को अभी से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसलिए कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस प्रॉब्लम के सलूशन के लिए कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सब्सक्राइब आप इस चैनल को इसलिए भी कर लीजिए ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप इसी तरीके से अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम आ गए हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, और यहाँ पर हम इस नोटिफिकेशन को रिमूव करके दिखाएंगे। आप देख सकते हैं कि फ़िलहाल हमारे सामने ये नोटिफिकेशन शो हो रहा है, जिसमें लिखा हुआ है एंड्रॉयड सिस्टम, नीचे लिखा हुआ है डाटा सेविंग मोड, और इसी तरीके से नीचे लिखा हुआ है डाटा सेविंग मोड इज़ ऑन, सम एप्स कैन नॉट कंटिन्यू टू यूज़, इस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस नोटिफिकेशन को हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से रिमूव करने के लिए हमें क्या करना होगा, वो बहुत ही सिंपल है। सिंपली हमें इसी नोटिफिकेशन पर क्लिक करना है। इस नोटिफिकेशन पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको डाटा सेविंग मोड के सामने जो ये आइकन है ये ऑन है, इसको यहाँ पर ऑफ कर देना है। जैसे ही आप इसको ऑफ करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये नोटिफिकेशन यहाँ से रिमूव हो चुका है। अब यहाँ से हम बैक आएंगे और यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो नोटिफिकेशन था वो अब यहाँ से रिमूव हो चुका है। और जब तक आप इसको दोबारा से ऑन नहीं कर लेते तब तक ये हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से रिमूव हो चुका है, और अब ये दोबारा से यहाँ पर आपको शो नहीं होगा। आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Thanks for watching the video.